दोस्तों सब टीवी के बहुत ही लोकप्रिय शो जीजा जी छत पर हैं, जिसमें आज पंचम ने दादी को गुम कर दिया है। पंचम को सेठ जी ने अपनी मम्मी यानी इलायची को दादी को लेने के लिए चांदनी चौक भेजा था, जिसे वो लेकर आ रहे थे कि रास्ते में दादी ने ऑटो खाना खाने के लिए रुकवाया, जिसके बाद से दादी गुम हो जाती है। जिसे सुन के इलायची पंचम से बहुत गुस्सा भी होती है। आपकी जिम्मेदारी थी ना दादी, तो फिर आपको ख्याल रखना चाहिए। क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया? अब देखना ये होगा कि आगे स्टोरी में क्या नया ट्विस्ट आता है। वो तो भी बकवास, जो रायता फैलाया ना उसे मुझे समझना पड़ेगा। और खास करके आप अपना मुंह बंद रखिए, कुछ भी बोलती है पिंटू भाभी। क्या दादी मिल पाती है या नहीं, जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्टूडियो शो बॉक्स। आज का सीन ये चल रहा है कि जो मुरारी जी हैं उनकी मम्मी यहाँ पर आ रही है, यानी कि इलायची जी की जो दादी जी हैं, तो वो चांदनी चौक में आ रही है। और उन्होंने हमें ये बोला है कि जाके दादी को पिक करके आना है, तो हम दादी को पिक करने गए और बीच रास्ते में उन्होंने 3 जगह ऑटो रुकवाया और वो खाना खाने लग गई। और हमने उन्हें बोला कि आप प्लीज़ घर चल के खाना खा लीजिएगा, लेकिन वो हमारी सुनी नहीं, मान नहीं रही थी। फिर उन्होंने दोबारा ऑटो रखवाया और फिर उसके बाद वो पानी पीने चली गई। फिर उन्होंने बोला कि मैं पानी पी के आ रही हूँ, लेकिन फिर वो कभी लौट कर ही नहीं आई। तो हम काफ़ी टेंशन में वापस आए, काफ़ी देर हमने वहाँ पर वेट की। और जब मैं वापस आया तो हमने जाके इलायची जी को ये बात बताई कि दादी जी जो हैं गुम गई हैं और काफ़ी हम टेंशन में हैं।